नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में छात्राएं पहुंची, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। जहां सरकारी उदासीनता सरकारी दावों की पोल खोल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली राज्य सरकार से ये सभी छात्राएं अपने आगे की शिक्षा जारी रखने को लेकर शिक्षकों की बहाली एवं मूलभूत सुविधाएं देने की मांग कर रही थी। हेमंत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाकर छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं छात्राओं का आंदोलन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही थी। जहां ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं के लिए आवासीय भवन एवं उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण इन छात्राओं का नामांकन नहीं हो पा रहा है, वहीं अब इन छात्राओं के अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। जहां ये सभी अपनी समस्याओं का समाधान की तलाश में जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त विजया जाधव से फरियाद लगा रही थी। आंदोलन कर रहे अभिभावक एवं छात्राओं का कहना है कि जिले में कुल 14 आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जहां क्लास 6 पास करने के बाद अब हम लोगों के समक्ष शिक्षकों की कमी एवं विद्यालय में आवास की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम छात्राएं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं, मगर ऐसी व्यवस्था में अब हमारी आखिरी उम्मीद राज्य सरकार की तरफ है, जहां अब हम अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराकर राज्य सरकार से सभी सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। स्कूल में गए, जिस स्कूल का इसका नामकरण किया रखा गया बाड़ागुड़ा स्कूल, उसमें अभी तक उस स्कूल में ना चारदीवारी का है, ना शिक्षक है, ना कुछ है। उस विद्यालय में कुछ अभी तक ऐसा सिचुएशन है कि बच्चा को एडमिशन कर सके। तो हम लोग ने अब मुखिया से लेकर जनप्रतिनिधि तक इस बात को हम लोग ने रखा मुखिक तौर पर, तो किसी ने भी इस बात पर कोई गौर नहीं किए। तो हम लोग ने अपने सब फ्रेंड्स लोग एक साथ बैठ के अतिथि जी से राय लेके उस लोग ने हम लोग को ठीक राय दिया कि बाबू तुम लोग कहीं भी जाओ इस तरह की ठोकर खाना पड़ेगा। आप लोगों का एक ही उपाय है कि आप लोग सब फ्रेंड्स लोग इकट्ठा हुई है और किसी मैडम को एक अपना ज्ञापन सौंपिए कि हमारे बच्चे का भविष्य एक अंधकार की ओर जाने जा रही है। तो राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, राज्य सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत कोलमोरी से जुगसलाई प्रखंड में व्याप्त ज्वलन समस्याओं का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष आज सुपाटी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया तथा राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया बिल के नाम पर परेशान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर बिजली व्यवस्था, किसानों से क्रय किए गए धान के बकाया राशि के अविलंब भुगतान, किसानों को अविलंब खाद बीज उपलब्ध कराने, जर्जर सड़कों की मरम्मतीकरण, सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा राशि देने, अंचल कार्यालय की बदहाल व्यवस्था समेत 29 मांगों को लेकर आज सुपाटी द्वारा आंदोलन का रुख अख्तियार किया गया है। और इसी क्रम में आज सुपाटी के जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां इस धरना प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य को BDO, CO और थाना प्रभारी के माध्यम से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशनिंग विभाग हो या फिर किसी व्यक्ति को म्यूटेशन करवाना हो, भया दोहन कर राज्य की जनता को परेशान करने का काम वर्तमान राज्य सरकार कर रही है। अपराध पूरे राज्य में चरम पर है और पुलिस द्वारा केवल वसूली का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार को आज सुपाटी द्वारा जगाने का प्रयास किया जा रहा है। जनहित से जुड़े 29 मांगों को लेकर लगातार आज सुपाटी द्वारा आंदोलन का रुख अख्तियार किया गया है। प्रखंड कार्यालय से लेकर नगर परिषद और अंत में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो सड़क पर उतरने का कार्य आज सुपाटी करेगी। राज्य की सरकार सोई हुई है, राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, राज्य में जनता का विकास रुका हुआ है। राज्य चला रहे हैं तो यहाँ के थाना और BDO और CO चला रहे हैं।
आप देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपको ये सामने कार्यालय है सीईओ ऑफिस में दिखेगा। एक आदमी अगर म्यूटेशन कराने के नाम पे आता है तो उसको इतना ना ये लोग दौड़ाते हैं और भया दोहन करते हैं कि मुंह मांगा कीमत इनको मिलता है। उसके साथ साथ आज थाने की हाल देख लीजिए, प्रशासन की हाल देख लीजिए, शहर में अपराध चरम पर है। रोज़ आपका अखबार खोलिए तो पहला पेज पे हत्या की बात आती है, गोली चलने की बात आती है, नशा की बात आती है। लेकिन पुलिस हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट चेकिंग, कागज़ पत्र चेकिंग में लगी हुई है, उसमें भी पूर्ण रूप से नहीं लगी हुई है। आप देखेंगे जहाँ पे ये कागज़ चेकिंग करते हैं, जहाँ हेलमेट चेकिंग करते हैं, उसके 50 मीटर के दूरी पे घटना हो जाती है, गोली चल जाती है। कहीं ना कहीं जमशेदपुर में ही नहीं, पूरे राज्य में खाकी वर्दी का खौफ खत्म होते जा रहा है। जमशेदपुर के मोहरदा वाटर प्लांट के द्वारा पीने के पानी की शुद्धता में सुधार को लेकर आम आदमी पार्टी महानगर कमेटी द्वारा बिरसा नगर वाटर प्लांट का घेराव किया गया। साथ ही साथ जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की गई, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। बिरसा नगर वाटर प्लांट मोहरदा द्वारा बिरसा नगर जोन नंबर 1 से 10 तक बागुन नगर, बागुन हाथू, शांति नगर, मिथिला कॉलोनी, भोजपुर कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है। ये पीने का पानी किसी भी तरह से पीने लायक नहीं है और इस गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है, जो कि पानी की गुणवत्ता के साथ साथ वाटर प्लांट के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वर्तमान समय में प्लांट का संचालन टाटा ग्रुप के जिसको द्वारा किया जा रहा है। टाटा ग्रुप जो कि देश में अलग पहचान रखती है और इस संस्था द्वारा गंदे पानी का सप्लाई करना लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है। इधर साफ पानी की सप्लाई को लेकर आम आदमी पार्टी महानगर कमेटी के द्वारा बिरसा नगर वाटर प्लांट का घेराव किया गया और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की गई, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। वाटर प्लांट से पानी का जो सप्लाई है वो बारडी बस्ती का शक्ति नगर, शांति नगर, मिथिला कॉलोनी, भोजपुर कॉलोनी, पटना लाइन, बागुनाथू, बागु नगर और बिरसा नगर में जोन नंबर 1 से जोन नंबर 11 तक पूरा सप्लाई मोहरदा वाटर प्लांट से होता है। लेकिन पीने युक्त पानी बिल्कुल ही नहीं है, वो बिल्कुल ही डर्टी पानी है और ये शिकायत लगातार लोगों से हम लोग को मिल रही थी। लोग हमारे पास आ रहे थे, बोल रहे थे कि भैया आप लोग इस वाटर प्लांट से बात कीजिए और ये जो हमारा पानी हमें मिलता है उस पानी में कीड़ा भी मिलता है और बिल्कुल ही डर्टी पानी मिलता है, गंदा पानी मिलता है और बिल्कुल उसे कपड़े धोए जाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देश भर के सभी जिलों से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। फाउंडेशन के द्वारा जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र देश के प्रधानमंत्री को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि आज देश में जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक हो गया है। देश की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गई है। हम दो हमारे दो की नीति को अपनाना अति आवश्यक हो गया है। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश हित में कई अहम फैसले लिए हैं और इस कारण अब जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून बनाना आवश्यक है और यही मांग फाउंडेशन के द्वारा उठाया गया है। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोग भारत में कठोर जनसंख्या नियंत्रण बिल कानून लागू हो इसके लिए मांग पत्र सौंप रहे हैं और आज हम सभी लोग उसी कड़ी में आज हम लोग जमशेदपुर इस जिले के उपायुक्त को देने आए हैं। और लगातार 10 वर्षों से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन भारत के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जिलों में लगातार लोकतांत्रिक तरीके से देश में दो बच्चों का कानून लागू हो इसके लिए संघर्षरत है और आज उसी कड़ी को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के दिन भी मोदी जी का ध्यान हम लोग आकर्षित कराने आए हैं। बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा किए जाने के बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इधर जुगसलाई क्षेत्र की गौशाला चौक में भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर पूरे क्षेत्र में लड्डू का वितरण किया। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश की कमान बाबूलाल मरांडी को सौंपी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही राज्य में लड़ी जाएगी।
इसे लेकर भाजपाइयों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जुगसलई गौशाला चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर बधाई देते हुए पूरे क्षेत्र में लड्डू का वितरण किया। जानकारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार ने बताया कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और विधानसभा में भी अपनी जीत दर्ज करेगी। बाबूलाल मरांडी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में उत्साह का एक नया लहर है, एक नया उमंग है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से सभी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश का संचार हुआ है और संगठन में एक नई स्फूर्ति आई है और उनके नाम मात्र से ही सारे कार्यकर्ता अपने अपने जगहों पर निकल गए हैं और संगठन के काम में लग गए हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से लोकसभा और विधानसभा दोनों जगहों पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। लोकसभा में 14 सीटों पर और विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ऐसा बाबूलाल मरांडी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह जो दिखने को मिल रहा है, ये उत्साह इस बात को साबित कर रही है, ये उत्साह ये बात को कहानी कह रही है। जमशेदपुर में सावन माह के पावन अवसर पर लगातार दूसरे साल मंगलवार को साक्षी बाजार स्थित श्री श्री साक्षी शिव मंदिर में सुल्तानगंज से आए हुए गंगा जल से भोले बाबा का सहस्त्र घट जलाभिषेक पूजा की गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल होकर गंगा जल से भोले बाबा का सहस्त्र घट जलाभिषेक किए। मंगलवार सुबह 10 बजे से शिव पूजन तथा दोपहर 1 बजे से सुल्तानगंज से टैंकर में आए हुए 12,000 लीटर गंगा जल से भोले बाबा का सहस्त्र घट जलाभिषेक किया गया। संध्या 5 बजे से भोले बाबा का विशेष श्रृंगार एवं महाआरती की गई। फूलों की लड़ियों से सजे भोले बाबा का विशेष श्रृंगार श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित कर रही थी, जिसके बाद प्रसाद ग्रहण किया गया। मंगलवार को दिन भर ओम नमः शिवाय, जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव के जय घोष से मंदिर गूंजते रहा। इस दौरान मंदिर के आसपास का माहौल धार्मिक भक्तिमय हो गया था। मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। बहुत लोगों ने जो कोई कारणवश अगर बाबा धाम नहीं जा पाते हैं, हमने पेपर के माध्यम से जानकारी दिए थे कि वो यहाँ पे आके बाबा को जल चढ़ा के अपना पुण्य का भागी बने, अपना मनोकामना पूरा करें। और हम तो बाबा से ही आशा करते हैं कि बाबा हर साल हमको ऐसा मौका दे कि हम हर साल बाबा के लिए पुण्य कर सुल्तानगंज से या और कहीं हो तो और कहीं से मना। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर के सत्र 2023-2024 के नए अध्यक्ष के रूप में प्रमोद दुबे ने शपथ ग्रहण कर लिया है। क्लब के तमाम बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में उन्होंने ये शपथ ग्रहण किया। बता दें कि क्लब के द्वारा प्रत्येक सत्र के लिए नए अध्यक्ष पर नई टीम का चुनाव किया जाता है। इस बार के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद दुबे का चुनाव किया गया है। शपथ ग्रहण के उपरांत नए अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने कहा कि क्लब के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना ही उनकी प्राथमिकता है। जरूरतमंदों को हर संभव मदद का प्रयास वे करेंगे, साथ ही क्लब के तमाम सदस्यों को एकजुट रखते हुए वे क्लब के उद्देश्यों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर जो शहर का और आप कह सकते हैं पूरे राज्य का, अपने ही राज्य का नहीं बिहार और झारखंड दोनों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्लब है। हमारे क्लब में तकरीबन 134 मेंबर हैं और एक इस क्लब की अध्यक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी अलग हो जाती है और मैं कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेदारी को पर खरा उतरूँ। जहाँ तक मेरी प्राथमिकता है, जैसा मैंने अपने तक भाषण में भी कहा कि समाज में मुझे लगता है जो हमारा फोर वे टेस्ट है, और अगर आप देखेंगे फोर वे टेस्ट जिसमें कहता है कि आप कोई भी काम करते हैं इसके पहले उनको चार चीज़ों का करना है, क्या वो सच है, क्या वो सबके लिए फेयर है, क्या वो सबके लिए बेनिफिशियल है और क्या वो दोस्ती बनाएगा। तो हम अगर इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया थोड़ी बेहतर ज़रूर होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एएमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।